अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय चैनल क्रिकेट फुटशो। दोस्तों आज बात करेंगे अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबस के बारे में। यकीनन दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि आकाश चोपड़ा ने रहमानुल्लाह गुरबस के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। यकीनन पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी रहमानुल्लाह गुरबस के असली फैन है तो इस वीडियो को लाइक करो। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों अगर बात करें रहमानुल्लाह गुरबस के बारे में क्या अल्फाज आकाश चोपड़ा ने इस्तेमाल किए, यकीनन अगर जानते हैं दोस्तों आकाश चोपड़ा इंडियन के एक मोस्ट पॉपुलर कमेंटेटर है, एक बहुत बड़े एक्सपर्ट है, अपना यूट्यूब चैनल भी है और स्टार स्पोर्ट पर दोस्तों कमेंट्री भी करते हैं। यकीनन दोस्तों उसने कहा कि रहमानुल्लाह गुरबस को गुजरात टाइटन ज़रूर चांस देना चाहिए, एक बेहतरीन बल्लेबाज है T20 फॉर्मेट के। अगर बात करें दोस्तों रहमानुल्लाह गुरबस की रीसेंट टाइम पर T20 पर परफॉर्मेंस देखा जाए तो बेहतरीन परफॉर्मेंस रहमानुल्लाह गुरबस ने T20 क्रिकेट में पेश की। और दोस्तों आकाश चोपड़ा का भी यही कहना है कि रहमानुल्लाह गुरबस एक अच्छे ओपनर है, गुजरात टाइटन्स को ज़रूर चांस देना चाहिए रहमानुल्लाह गुरबस के। बाकी जितने मैचेस हैं वो वैसे भी दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट मुकाबले नहीं है, इसलिए दोस्तों रहमानुल्लाह गुरबस को ज़रूर चांस देना चाहिए। दोस्तों उसने ये भी बताया कि रहमानुल्लाह गुरबस को पहले से चांस देना चाहिए, लेकिन गुजरात टाइटन ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती की कि उसने मुसलसल वेट को चांस दिया और मुसलसल फ्लॉप हो गए और उसके बावजूद भी दोस्तों उसने रहमानुल्लाह गुरबस को चांस नहीं दिया। एक बहुत बड़ी गलती यहां पर किए गए हैं गुजरात टाइटंस ने। और अगर बात करें दोस्तों आकाश चोपड़ा ने दोस्तों अपने नए स्टेटमेंट में यह कहा कि गुजरात टाइटंस के बाकी जितने मुकाबले हैं वो दोस्तों वैसे भी दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट मुकाबले नहीं है। गुजरात टाइटन प्ले ऑफ के लिए क्वालिफायर ऑलरेडी हो चुके हैं, उसको रहमानुल्लाह गुरबस जैसे खतरनाक बल्लेबाज को जरूर टेस्ट करना चाहिए। और यकीनन दोस्तों उसने बताया कि रहमानुल्लाह गुरबस एक अच्छे साबित हो सकते हैं गुजरात टाइटंस के लिए, यानी दोस्तों एक अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर सकते हैं। दोस्तों उसने ये भी बताया कि ओपनर एक बहुत अच्छा रोल निभा सकते हैं टीम में और रहमानुल्लाह गुरबस के साथ पूरी काबिलियत मौजूद है कि वो एक अच्छे ओपनिंग के साथ गुजरात टाइटंस को लीड करे। तो दोस्तों ज़रूरी खबर आपको बताना चाहिए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों आप भी ज़रूर कमेंट करें। खुदा हाफिज़।